राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं प्रिया, प्रिया विद खाना में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं लाऊं कुछ खास, तो आज हम बनाएंगे कच्चे आलू की पकौड़ियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू को गोल शेप में काट कर इनको अच्छे तरीके से धुल लिया है। देखिए, इनको हटाएंगे। यहाँ पर हम एक बाउल रखेंगे, इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम एक कटोरी तक बेसन डालेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर डालेंगे रवा बेसन के साथ ही, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पर उसके आधे के आधा डालना है रवा, जिससे कि कुरकुरापन आ जाता है। फिर हम डालेंगे जीरा एक चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर हम यहाँ पर डालेंगे हींग। हींग हमने आधे चम्मच थोड़ी ज़्यादा ही डाली है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और हरी मिर्च डालेंगे। और इन सबको हम मिक्स करेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर तैयार कर लेंगे गाढ़ा सा। कभी कभी क्या हो जाता है ना, लाइट चली जाती है। आप वीडियो की सारी तैयारी कर लें, वैसे ही लाइट चली जाती है। लखनऊ है तब भी ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं जाती है, यहाँ भी लाइट कभी कभार चली ही जाती है। ज़्यादातर अगर आपको कुछ ज़रूरी काम हो तो लाइट ज़रूर ही जाती है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, और बैटर को बना लेंगे, मोटा सा घोल बनाएंगे। बैटर को गाढ़ा ही बनाना है, पतला नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से फेंट लेंगे। अगर पानी कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर लें, अभी गाढ़ा बहुत है। तो थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर और डालेंगे। रवा से क्या हो जाता है कि कुरकुरी बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही बढ़िया बनती है। देखिए, अब पतला नहीं करना है, बस इतना ही रखना है। और अब हम यहाँ पर आलू लेंगे, इनको इस तरीके से इसमें डिप करेंगे। और फिर इनको सेकेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, और इसमें अब हम डालेंगे जो हमने आलू और बेसन को मिक्स किया है, इसमें एक एक करके डालेंगे। गैस को हमने लो फ्लेम पे कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर जल्दी से जलने से लगते हैं, वो ना हो। और यहाँ पर हम आलू को सेक लेंगे। बहुत ही बढ़िया पकौड़े बनके तैयार होते हैं। अगर आप आलू उबाल ना पाएँ तो इस तरीके से भी आप फटाफट से बना सकते हैं। तो ये देखिए, कितने बढ़िया बनके तैयार हो रहे हैं, और फटाफट से बन जाते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है कि आलू उबालो तब बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। और अब हम इनको सेकेंगे, और इनको पलटते पलटते रहेंगे दोनों साइड से, अच्छी तरीके से सिक जाए। देखिए, फूल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फूल ना रहे हो। देखिए, फूल भी रहे हैं सारे। तो ये देखिए, यहाँ पर बनके तैयार हो गई हैं। इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए, बहुत ही बढ़िया बन जाती है, और फटाफट से बन जाती हैं, जल्दी से। कोई भी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है कि आलू वगैरह उबालो तब बनाना हो, ऐसा कुछ नहीं है। आलू को बस पतला काटना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है, ये तो पता चला आलू अंदर से कच्चा रह जाए। तो यहाँ पर हम इन सबको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, आलू की बहुत ही कुरकुरी पकौड़ियाँ बनके तैयार हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। अगर आलू उबला हुआ ना हो तब भी आप कच्चे आलू का भी फटाफट से बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।